साथियों, पंच महापुरुषों में से एक योग रूचक योग, और रूचक योग मंगल के द्वारा निर्मित होता है यदि वो केंद्र में स्वग्रही या फिर अपनी उच्च राशि में होता है। तो कई बार ऐसी गलतफहमियां हो जाती है कि ये प्रत्येक लग्न में लागू होता है, और ऐसी ही आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के बारे में। साथियों, वृषभ लग्न में क्यों रूचक योग बनते हुए भी, बल्कि उसको रूचक योग कहना भी नहीं चाहिए, बल्कि रूचक योग उसके लिए कैसे खतरनाक साबित हो सकता है, एक कुंडली के माध्यम से हम आज ये जानेंगे। और साथियों, ये जो घटना हम बतलाने जा रहे हैं ये एक युवती के जीवन की सत्य घटना है। क्यों उसको विवाह के पश्चात अपने पिता ने ही त्याग दिया हमेशा हमेशा के लिए, क्यों उसको अपने मन चाहे विवाह करने का जीवन भर का पछतावा मिला, और क्यों उसे अपनी बहुत अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ गई। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वृषभ लग्न की जन्मपत्रिका पर आप दृष्टिपात कीजिए। 2 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए ये हो गई एक वृषभ लग्न की जन्मपत्रिका। अब जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया था, दोबारा हम बतला देते हैं कि कोई भी पंच महापुरुष योग वो तभी निर्मित होता है जब केंद्र में, जो केंद्र के घर, इस कुंडली में यदि केंद्र की चर्चा करें तो जहां पर आप 2, 5, 8 और 11 लिखा हुआ देख रहे हैं, इन चारों भावों को, इन चारों घरों को हम केंद्र स्थान कहते हैं। तो यदि इन केंद्र स्थानों में कोई ग्रह उच्च का या स्वग्रही विराजमान है तो वो पंच महापुरुषों में से एक योग निर्मित करता है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि मंगल देव अपनी स्वयं की राशि सप्तम भाव में यहां पर विराजमान है, मंगल केंद्र में विराजमान है। तो यदि इस सिद्धांत को हम लागू करते हैं तो मंगल यहां पर स्वग्रही है और केंद्र में भी है, परंतु एक सिद्धांत हम भूल जाते हैं कि पंच महापुरुष योग उस ग्रह पर लागू नहीं होता जो कि इस कुंडली में मारक ग्रह हो। तो मंगल इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, क्योंकि वो सप्तमेश और द्वादशेश है, तो बजाय अच्छे परिणाम देने के वो यहां पर बुरे परिणाम प्रदान करता है। आप देखिए कि मारक होकर के मंगल स्वग्रही विराजमान है, अपने ही घर में विराजमान है, सप्तम भाव में विराजमान है, तो वो कम से कम सप्तम भाव का नुकसान नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, इस युवती की अपने पसंदीदा व्यक्ति से विवाह संपन्न करा दिया, जिससे वो चाहती थी, जिससे वो प्रेम विवाह करना चाहती थी, इस मंगल ने उसको करा दिया। परंतु आगे की रणनीति मंगल की कुछ और थी, ये केवल सब्ज बाग थे, क्योंकि यदि आप गलत निर्णय कुछ लोगे नहीं तो आगे आप पछताओगे कैसे। तो मंगल ने अपना ये कार्य तो कर दिया। अब मंगल ने जो चौथी दृष्टि दशम भाव पर डाली, मारक है आप ये मत भूल जाइए, तो विवाह के पश्चात इनके ससुराल वालों ने ये कहा कि हमारे घर में जो बहुएं हैं वो नौकरी के लिए बाहर नहीं जाती हैं, और इसकी अच्छी खासी नौकरी लगी हुई थी, सरकारी नौकरी थी, बल्कि केंद्र सरकार में थी, अच्छे खासे पद पर थी, परंतु इन्होंने अपनी शादी को देखते हुए इस शर्त को भी स्वीकार किया और उस नौकरी को इन्होंने त्याग पत्र के माध्यम से छोड़ दी। चूंकि इनके स्वयं के पिता इनके इस विवाह से नाराज थे तो उन्होंने इनसे बातचीत बंद कर दी। क्यों? क्योंकि पिता के भाव पर इस मंगल की आप देख रहे हैं कि दृष्टि है, और इस प्रकार के सारे प्रकरण करने से, कि मन माफिक विवाह करने से और अपने स्वयं के पिता के द्वारा इनका बहिष्कार करने से, और भी जितने लोग थे उन्होंने इनकी सम्मान की हानि करने में अपनी तरफ से कोई भी कमी बाकी नहीं रखी। अगला पॉइंट देखते हैं कि मंगल ने जो सप्तम दृष्टि लग्न पर डाली तो विवाह के कुछ समय पश्चात ही रक्त संबंधी एक विकार
इनको हो गया और उस विकार के कारण इनकी जो त्वचा है उसका रंग बदलने लगा। और मंगल रक्त का अधिपति देव है। जीवन भर का पछतावा, लग्न पर यदि इस प्रकार की कोई दृष्टि होती है तो एक तो गलतियां होती हैं आम रोजमर्रा की, जिसको हम सुधार भी सकते हैं। कुछ ऐसी गलतियां भी मनुष्य कई बार कर देता है जिसका कोई भी पछतावा, कोई पश्चाताप नहीं होता, केवल जीवन भर वो दर्द आपको सालता रहता है। तो ये कार्य इस दृष्टि ने इनके लिए किया। अब मंगल ने यहां पर जो अपनी अष्टम दृष्टि है वो धन भाव पर, कुटुंब के भाव पर डाली, तो कुटुंब का इनको एक प्रकार से जो बैर है वो मुफ्त में ही इनको मिल गया। ये सारी चीजें मंगल ने इनके साथ में की। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वृषभ लग्न में क्यों हम इसको रोचक योग क्यों नहीं कह सकते, पंच महापुरुषों की श्रेणी में इसको क्यों नहीं ले सकते, आपको समझ में आ गया होगा। और आपकी सामान्य जानकारी के लिए बतलाते चलें कि कोई भी पंच महापुरुष योग, चाहे वो भद्र हो, हंस हो, शश हो, मालव्य हो, केवल अपनी दशा अंतरदशा में ही पूरी प्रखरता के साथ में वो रिजल्ट प्रदान करता है। यदि वो अस्त हो गया है तब भी वो रिजल्ट प्रदान नहीं करता। यदि वो उस कुंडली में मारक है तब तो हम उसको पंच महापुरुष योग की श्रेणी में ही नहीं रखते। और साथ ही यदि उसमें बल ही नहीं है, अर्थात वो ग्रह स्वयं जो पंच महापुरुषों का योग का निर्माण कर रहा है, शून्य डिग्री का यदि हो जाए, 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए, तब भी उसको हम शामिल नहीं करते पंच महापुरुष योग की श्रेणी। साथियों, यदि आज जैसी स्थिति, आज जो कुंडली विश्लेषण में हमने आपको बतलाई, वो किसी कन्या या पुरुष की जन्म पत्रिका में है, तो वो ये मान करके न चले कि मंगल उसके लिए बहुत अच्छा है, मारक है, चाहे स्वग्रही है कोई बात नहीं। ऐसी स्त्री या पुरुष को चाहिए कि वो ओम मम महाभागीय नमः इस मंत्र का जाप करें, नियमित रूप से करें, मंगलवार से प्रारंभ करके करें, और हनुमान आराधना अधिक से अधिक करें, तो ये जो दुष्परिणाम है ये निश्चित रूप से कम अवश्य होंगे। साथियों, रूचक योग पर और अन्य पंच महापुरुष योगों पर आगे हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं हम हमारे आज के कमेंट के सेक्शन की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये अश्विनी अहीर जी ने लिख भेजा है। आपने प्रणाम लिखा है तो अश्विनी जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट ये हमारे नियमित दर्शक थोराट दीप्ति जी ने लिख भेजा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दीप्ति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला जो कमेंट है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, शकुन शरण जी हैं, और आपने आदरणीय आचार्य जी सादर प्रणाम, आपकी अग्रिम सूचना हेतु सदैव हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपको कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन स्वीकार करें। बहुत ही सुंदर कमेंट आपने लिखा है, इसके लिए आप भी साधुवाद के जरूर पात्र बनते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।